अगर अपने आप को हेल्दी समझते हैं, इफ यू थिंक यू आर हेल्दी, मतलब ये नहीं होना चाहिए सबसे पहले, एंड आपका कोई भी पैरामीटर्स, जब आपका लिक्विड प्रोफाइल होता है, कोई भी पैरामीटर्स ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, देन स्टैंड अप। आपका ये नहीं होना चाहिए, एंड इफ यू थिंक हेल्दी इन दिस रूम, अगर आप सोचते हैं कि आप हेल्दी हैं और ये आपका नहीं है, ऐसा करते नॉट माता है जो प्रेग्नेंट है, अगर आप हेल्दी हैं तो प्लीज स्टैंड अप, मैं देखना चाहूंगा सब आपका, जिसका दिखा ये उनको भिजा दूंगा नहीं बैठे, आपका है आप बैठिए, पीछे दिख नहीं रहा है, बैठिए ले रहे हैं, सब खड़े हो गए, आपका लिक्विड प्रोफाइल दिखाइए, सांस रोक के रखिए, आप बैठिए, आपका भी सांस रोक के, आप बैठिए, आप हेल्दी है इसका मतलब है इस बिल्डिंग का ऊपर से लेके नीचे 20 बार दौड़ के भी आई, यहाँ पे इतने लोग हेल्दी इसीलिए हैं क्योंकि वी आर टेकिंग गुड एंड द बेस्ट सप्लीमेंट्स इन द वर्ल्ड, हेमोइन एंड अदर सप्लीमेंट्स फ्रॉम एटोलिस्ट, आपको जान के बहुत हैरानी हो जाएगी, प्लीज आप लोग एक बार शांत होकर बैठ जाइए, प्लीज आपको जान के हैरानी हो जाएगी, 40% एडल्ट, 40% एडल्ट आर इन रिस्क फॉर ओबेसिटी इन इंडिया, सिर्फ ये नहीं है, ओबेस रैंकिंग में अगर हम लोग देखें तो इंडिया इज थर्ड इन द वर्ल्ड, इंडिया इज थर्ड इन द वर्ल्ड, यूएस इज द फर्स्ट, इंडिया इज थर्ड, डू यू नो दिस, हम लोग फिर भी वेजिटेरियन है, सोचिए, so इसका मतलब है वेजिटेरियन इज नॉट द सॉल्यूशन, मैं आपको नॉन वेज में नहीं जाने के लिए बोल रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट हमारा जो फूड हैबिट है, आजकल हम लोग खेती बाड़ी करते नहीं है, कोई है यहाँ से किसान खेती बाड़ी करते हैं, वो खुद से अभी एटमी कब करते हो, फिर एटमी कब करते हो किसान तो हमारे पूर्वज मतलब ग्रैंडफादर या फिर फादर खेती बाड़ी करते थे और फिजिकल वर्क बहुत करते थे, दे यूज टू वर्क वेरी हार्ड, दे यूज टू डू लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, व्हेन वी डू फिजिकल वर्क, जब हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होता है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट्स की, रोटी ज्यादा खाते थे, राइस ज्यादा खाते थे उस टाइम पे, मगर दौड़ते भी थे, आजकल सेम अमाउंट रोटी रोटी तो है 4-5 रोटी और सेम अमाउंट ऑफ राइस, फेस नहीं दिखता है यहां से ऐसे कर, बट दौड़ते नहीं है, दौड़ते नहीं है, दैट इज द अनदर रीजन ओबेस हो जाते हैं, इंडिया के बाहर इंडिया के ऊपर एक कहावत है कि इंडियंस को अगर पेट भूखा होता है तो वो सो नहीं पाता है, हम लोग डिनर करते हैं 9 बजे के बाद, वो भी टीवी सीरियल देखने के बाद, 9 बजे का या 10 बजे में प्राइम टीवी आता है, कुछ ना कुछ देखने के बाद हम लोग डिनर करते हैं, सो जाते हैं, दैट्स वेरी बैड हैबिट, ओनली इन सब कॉन्टिनेंट वी हैव दैट हैबिट, इंडिया और कुछ कंट्रीज के बाहर एवरीवेयर डिनर फिनिश एट 6 to 7, क्यों, क्योंकि सोने के पहले हमें 2 घंटा चाहिए होगा, 2 घंटा चाहिए होता है हमें डाइजेस्ट करने के लिए, और प्रोसीज्योर आर रॉन्ग, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, ये ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, ओबेसिटी इज देयर, हम लोग एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो कि जिम में नहीं भी जाओ तो भी आपका बॉडी जो है मेरे तरह हो सकता है, इस प्रोडक्ट में 8 डिफरेंट टाइप का ग्रेन्स है, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट, बायोटिक भी है,
और फोर डिफरेंट काइंड्स का वेजिटेबल्स भी है, तो इसको आप सुबह एंड शाम को शेक के हिसाब से भी ले सकते हैं। और कोरिया में जो क्या ब्यूटी देखते हैं, अब आई ब्यूटी दिखेगा। आई ब्यूटी, आई ब्यूटी मतलब इंडियन ब्यूटी। ऑलरेडी देयर आर फ्यू सिलेक्टेड पीपल जो मिस वर्ल्ड के लिए जाते हैं, मिस यूनिवर्स के लिए जाते हैं, जीत के आते हैं, बट हमसे ही कोई मिस यूनिवर्स होना है, मिस वर्ल्ड बनना है, मिस्टर इंडिया भी बनना है। वो मिस्टर इंडिया भी जो गायब हो जाते हैं, वो मिस्टर इंडिया जो मेरे तरह हमारा जो ये प्रोडक्ट है, जानने चाहोगे? यस आपको सिर्फ बता रहे हैं। नेक्स्ट सक्सेस सेमिनार पे आपको पैकेट खोल के मैं पी के दिखाऊंगा सामने। उसके बाद जो है सितंबर में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, इट विल बी अवेलेबल इन आवर मॉल पी मॉल। देखते हैं। इसमें 20 पैक्स रहते हैं, 30 सॉरी राहुल, पीछे से राहुल बोल रहा है 30 बाबा, 30 पैक्स हैं, 7500 एंड एमआरपी इसका है, पीबी है 25000। अच्छा है प्रोडक्ट? यस। ट्राई करना है? यस। क्वेश्चंस एंड ट्रेनिंग विल बी डन इन फ्यूचर, सो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्रेनिंग सेशन आप अटेंड कीजिएगा इन फ्यूचर। हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम लेके आएंगे, बहुत सारा फिटनेस प्रोग्राम भी हम लोग करने वाले हैं स्लोली, जिनमें से आप मिस्टर इंडिया बन सकते हैं और मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड भी बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर मैं बताना चाहता हूँ उसके पहले